मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो जैसे आज अब मैं आया हूँ श्याम बाजार और मैं टेम्पू खोज रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। टेम्पू यहाँ पर से फिलहाल एक आदमी से मिला हूँ, वो काम करते हैं कुछ। अब क्या काम कर लेते हैं भैया? फेरी। रोज कितना कमा लेते हैं आप? 300-250। बहुत मेहनत करते हैं। कितना घंटा काम करते हैं भैया? हाँ, 6-7 घंटा ये काम करते हैं, फेरी करके अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कुछ रोज़गार दें लोगों को। कितना मुश्किल से काम करना पड़ रहा है लोगों को, है कि नहीं? हैं, हर युवा लोग को रोज़गार मिल जाए ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी, हम तो यही चाहते हैं। चलिए, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं परिवार के लिए, आप इतना मेहनत दूर से कर रहे हैं, तो ये सब लुंगी वगैरह क्या क्या बेचते हैं बता दीजिए जरा सा। चादर, बेडशीट, लुंगी, गमछा और क्या बेचते हैं भाईजान? रजाई खोल, कम्बल खोल, गद्दा खोल, मोसका खोल। इतना आइटम आप बेच रहे हैं, कम बात नहीं है? ठीक है, भागलपुर से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? सब दवा से बनता है। कहाँ से बनता है? चलिए ठीक है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। अब बोले कि टेम्पू नहीं मिलेगा तो पैदले चले, चलते हैं आज पैदले। जितना घंटा लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी घंटा लग जाए, पेट को टेंशन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाते दोस्तों, क्योंकि मेरा 1 साल भी पूर गया है। अब आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, ठीक है? यहाँ काफ़ी अच्छा मंजर है दोस्तों। श्याम बाज़ार का मार्केट उस तरफ था, अभी हम जा रहे हैं बस्ती की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत हमको चलना पड़ेगा, बहुत हम चलेंगे, ठीक है? जैसा ये जगह देखिए, काफ़ी खूबसूरत है जगह, एकदम शांत जगह है। ये देख लीजिए, पेड़ पौधे, हवा, ये काफ़ी शांत लग रहा है ये सब जगह। जैसा कि हमको यहाँ पर टेम्पू मिल चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम चलेंगे। आप आए, कम बात नहीं भैया, चलिए हम चलते हैं सरोवर की तरफ। यही सर्वे बस्ती, चलिए आपको ये सब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि अब हमको टेम्पू भी मिल चुका है, भाईजान जा रहे भी हैं। यहाँ पर का नज़ारा काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है आपको, देख लीजिए। ऐसा लग रहा है माने की फिल्म देख रहे हैं, कैमरा की क्वालिटी एकदम साफ आ रही है। तो भाईजान, अपने बारे में बताइए कि आप लोग ये रोज कितना कमा लेते हैं? कमाने का अभी कुछ नहीं है, मतलब अभी जो है 200-300 पूरना मुश्किल हो जाता है। मैं क्या करिए, महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, और अभी मजदूर जो है खेत में काम कर रहा है कि नहीं? तो खेत का काम पूरा होने के बाद बहुत गाड़ी के कारण भी काम नहीं मिल पा रहा है कि नहीं? ये भाईजान, हम पैदल ही निकल रहे थे 4-5 किलोमीटर, क्या करें, टेम्पू यहाँ पर से मिल नहीं रहा है। और यूट्यूब बनाना जरूरी है, हम वीडियो के लिए काम भी नहीं करते रहते हैं, 4-5 किलोमीटर चलते रहते हैं। बस इतना है कि लाइक आपको मिल जाए, शेयर मिल जाए, लोग अच्छा कमेंट करें। आपके पास बैठ जाए, बैठ जाए आपके पास। अरे भैया, वीडियो बनेगा तो आप मर भी जाइएगा ना? नहीं, रहने दिया सीट, उसे जगह नहीं मिल पाया वीडियो बनने। फूल पड़ता है भैया? ये कौन पुल है? सड़ा मोर का ये पुल है। ये कब का बना हुआ अंदाज? ये 3 साल के लगभग हो रहा है। 3 साल? लेकिन हाँ, शांति लग रहा, हवादार जगह है, काफ़ी मन लगेगा अगर यहाँ पर आइएगा, सुकून लग रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा बताओ ये कि आप लोग का बगल वाला पड़ोसी कैसा सब है? ठीक है, मतलब कैसे है समाज
में जैसा रहना चाहिए। हाँ समाज है, देखिए समाज के बगैर इंसान जीवित नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता है। हम लोग समाज में रहते प्रेम से रहें, जितने भी लोग हैं हम यही संदेश देना चाहते हैं आदमी लोग को, एक मिलजुल के रहें, मिलजुल के रहिएगा तो आपका भी बिजनेस सक्सेस करेगा, आप भी मिल के रहिएगा आपका कारोबार सक्सेस करेगा, आप तरक्की करिएगा। और मिलजुल के नहीं रहिएगा तो आप तरक्की भाईजान नहीं कर सकते, है कि नहीं? देहात में जो है समाज नहीं मिल के रहना होगा। हाँ कोई शहर नहीं है देहात में, हमको आपसे काम लगेगा, आपको हमसे काम लगेगा, लेकिन पड़ोसी जो है एक दूसरे से दूसरे को मैंने काम में आ जाता है। देहात में एक ही चीज़ हमको संदेश मिला कि यहाँ के लोग तत्पर होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हाँ। ये चीज़ खासियत है यहाँ के लोगों की। हाँ, हाँ। और हम लोग शहरवासी से निवेदन कर रहे हैं, जितने भी मेरे चैनल देखेंगे प्लीज़ शेयर करिए, बहुत दूर तक इसको फैलाइए, लाखों व्यूज होना चाहिए। हाँ। प्लीज़, क्योंकि ये संदेश पहुँच सके, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखिए लाइक भी नहीं करिए। हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते वीडियो बनाते हैं, मैंने कि लाइक हो, लोग देखे जाने, इसलिए हम चलते हैं, है कि नहीं? ये बात है कि देखिए हवादार जगह है, देखिए चारों तरफ एकदम लग रहा शांत होती मन लगेगा अगर यहाँ पर आपको अगर घूमने के लिए आइएगा। कई जानवर भी हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत मंजर है भाईजान, देखने लायक जगह है। मंदार पर्वत गए कि ना आप लोग घूमने के लिए? मंदार पर्वत जो है यहाँ से, यहाँ का रमणीक स्थल है, स्थल है ना यहाँ पर का। 14 जनवरी को मेला लगता है, 14 जनवरी को मेला लगता है यहाँ पर, है ना? प्रत्येक साल। प्लीज जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं, मेरे चैनल देख रहे हैं रॉकी रिसेलर, तो प्लीज एक विनती है आप लोग से कि 14 कितना तारीख बोल रहे हैं भैया? 14 जनवरी को आइए। कहाँ पर? मंदार हिलाइए, घूमने के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला आप लोग को। प्लीज हम सोचेंगे हम भी आए यहाँ पर, है कि नहीं? पैदल जाते हैं, हमको लगता बहुत देर लग जाता है, आप मिल गए हमको बचाने के लिए, हमको लगा कि हम आज 4-5 किलोमीटर पैदल ही निकलेंगे, लेकिन आप मिल गए, कम बात नहीं है। देखिए यहाँ पर भागलपुर हम लोगों का है ना, वहाँ टेम्पू एकदम मिलते रहता है, मतलब 5-10 मिनट में कहीं पर भी टेम्पू मिल गया। यहाँ पर साधन टेम्पू का कमी लगा हमको, बोल रहा है कि पूरा फुल होगा तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, यही हमको ही लगा। आपको टेम्पू मिलेगा? हाँ देखिए समय नहीं मिलेगा, तो टाइम लगेगा, आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा टेम्पू पर, और लोगों के पास समय नहीं है। 4 बजे तक मिल सकता है, पहले नहीं। हाँ पैसेंजर होगा घूमेगा, अभी जा रहे थे तभी तो मिले, हमने कोशिश किया पैदल किया जाने का, आप मिल गए, है कि नहीं भाई? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये देखिए टेम्पू भी चल रहा है, स्टाइल देखिए इनके चलाने का अंदाज, तेजी भी चला रहे गाड़ी, ये देखिए गाते थे, है कि नहीं? अब पुराना गाना आज भी फेवरेट है लोगों के मन में, पुराना। आज का फेवरेट आपका एक्टर कौन सा भाई? पुराना गाना जितना हिट किया था पहले और अभी जो है उसका वजन है कि नहीं? आजकल के युवा कुछ गाने को पसंद नहीं करते हैं। पुराना गाना में सीख मिलता है, कुछ रहता है, सीख मिलता है कि नहीं भाई? और पुराना फिल्म में बेपरवाह नहीं है, है कि नहीं? बेपरवाह नहीं है पुराना फिल्म। ठीक है मेरे यूट्यूबर सब जितने भी हैं देख रहे हैं मेरा चैनल, तो कुछ सीख जरूर हम लोगों को मिला कि अभी भी है पुराना गाना सुनिए, बहुत मज़ा आता सुनने में। और अमिताभ बच्चन का तो जान ही रहे हैं, इनका अंदाज निराला ही है। वैसे तो बॉलीवुड का सारा एक्टर निराले हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज भी फिल्म हम लोग देखते हैं तो थोड़ा मनो आनंद आता है, अच्छा लगता है, है कि नहीं? हीरो भी क्या है कि नहीं अच्छा, और खलनायक लोग भी, कलाकार लोग भी, खलनायक लोग भी अपना अलग एक्शन किए हैं और हीरो भी अपना अलग एक्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है। और अच्छा ही फिल्म रहता था पहले ज़माने में, है कि नहीं?
हम बहुत अच्छी पिक्चर है, देखेगी ना आराम से आप। यहाँ पर का ये कौन बस्ती पड़ता है भाई? ये सब बस्ती जो है काफ़ी जहाँ पर रहने वाले हैं हवादार जगह है, हमको लगता है कि सेहत भी अच्छे रखता होगा। बस्ती का नाम भाई जान को याद आ गया, बारा पगार। देख लीजिए ये गाछ वृक्ष का मंजर काफ़ी अच्छा है। हम वीडियो बनाने के लिए इतने दूर आए हैं आज चर्चा करके, हम देखिए हमको वीडियो बनाना मेरा एक शौक है, लोगों तक मेरा बात पहुँचे सही नहीं सही बात है। सबका अपना अपना बाजार चॉइस होता है, इसी में अगर फिल्मी अगर मतलब डांस किया जाए यहाँ पर मज़ा आ जाएगा है कि नहीं? सबका शूटिंग हुआ है यहाँ पर रह करके, बहुत मज़ा आ गया। आपको सिरवा जाना है, सिरवा जाने के लिए इधर जाना होगा। आपसे मिलके बहुत हमको खुशी हुई, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो है एक टेम्पू वाले ने मुझे पहुँचाया, बहुत हमको मन लगा और काफ़ी हमको अच्छा भी लगा, मेरा समय भी बचा। अभी हम 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पैदल जाने वाले थे और समय पर हमें टेम्पू वाला मिल गया, नहीं तो आज तो सोचे थे कि आज टेम्पू भी नहीं मिल पाएगा। वैसे हम शॉर्टकट रास्ता जानते हैं काफ़ी, लेकिन समय पर मिल नहीं पाता मुझे। आज मुझे मिल गया एक टेम्पू, काफ़ी ये अच्छी बात थी। तो मेरे ब्लॉग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आपको थैंक्स।